वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस बोर्ड को आप देख रहे हैं और अच्छी तरीके से आप इसे पहचानते होंगे। ये एक बहुत ही पॉपुलर बोर्ड है, लेकिन मेरे ख्याल से एक बोर्ड यही है जो सारे थ्रू आउट इंडिया में आराम से अवेलेबल है। लेकिन क्या ये बोर्ड अच्छा है, क्या इसकी अच्छाई है, क्या कमी है, ये तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। लेकिन हमारा मेन पॉइंट है कि क्या इस बोर्ड की आउटपुट पावर को हम बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, जिसमें लोगों ने बोला है कि इसके साथ कुछ और ट्रांजिस्टर हम लगा देंगे पैरेलल में तो इस बोर्ड की आउटपुट पावर बढ़ जाएगी और 500 वाट हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इन तरह की चीज़ों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पे चलते हैं कि क्या किसी एम्पलीफायर बोर्ड की आउटपुट पावर बढ़ाई जा सकती है। एम्पलीफायर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो आपके आईसी बेस्ड हो या तो ट्रांजिस्टर बेस्ड हो। और अगर आपके पास आईसी बेस्ड बोर्ड है तो उसकी आउटपुट को बढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर आईसी किसी पर्टिकुलर मैक्सिमम वोल्टेज पे चलने के लिए ही डिज़ाइंड होती है और उसके डिज़ाइन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम किसी भी आईसी की आउटपुट पावर को नहीं बढ़ा सकते हैं। कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह ऐड करके हम आईसी की पावर को बढ़ा सकते हैं और थोड़ा मोड़ा आउटपुट ज़्यादा इससे ले सकते हैं, ज़्यादा इसमें चांसेस नहीं है। लेकिन ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर जो होता है फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसकी बेसिक्स की नॉलेज हो तब। और ये डिज़ाइन लेवल का काम है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इसमें कंपोनेंट आपको बता दूं कि ये बदल दो वो बदल दो तो इसकी पावर बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि किस तरीके से पावर बढ़ाई जाती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, और बहुत मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट ये है, कि किसी भी एम्पलीफायर के आउटपुट में जो आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उसके नंबर्स को ज़्यादा करके हम अपने एम्पलीफायर की आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली सच कहिए तो ये एम्पलीफायर बोर्ड बहुत पुराने टाइम से इंडियन मार्केट में है, और ये कुछ स्टार्टिंग के ट्रांजिस्टराइज्ड बोर्ड में से है जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल था। और आज तक ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में मार्केट में बिक रहा है, और इसको मैंने काफ़ी पहले 10-20 साल पहले यूज़ किया था, और इसकी क्वालिटी को लेकर मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं था और मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत ही बेकार बोर्ड है। लेकिन इस वीडियो के लिए जब इसका सर्किट मैंने ट्रेस किया तो मुझे पता चला कि नहीं, एक्चुअली सर्किट ये काफ़ी अच्छा है, कोई उतना बुरा सर्किट नहीं है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ख़राब है, इस वजह से इसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तक इसमें एम्पलीफायर सेक्शन है, उसके बाद ये बेस ट्रिबल का सेक्शन है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें यहीं से आती है, क्योंकि ये बेस ट्रिबल का सेक्शन एकदम ही बेकार है। ये सिंगल सप्लाई पर चलने वाला सेक्शन है, जबकि बाकी आपका एम्पलीफायर ड्यूअल सप्लाई पर चलता है। इस सेक्शन में काफ़ी नॉइज़ है, और ये तार वगैरह आप जो देख रहे हैं फ्लैट वायर, और इतने लंबे लंबे फ्लैट वायर हैं, इसकी वजह से काफ़ी नॉइज़ इसमें आ जाती है। अगर आप इसके इनपुट को ट्रेस करेंगे तो देखेंगे कि ये जो 100 ओम का रेजिस्टेंस है यही इसका इनपुट है, और यहाँ से डिसकनेक्ट करके और इसके प्री एम्पलीफायर को आप हटा दीजिए, बिल्कुल ही यूज़ मत कीजिए, बिल्कुल ही बेकार है। कोई ड्यूअल सप्लाई वाला बेस ट्रिबल का बोर्ड आप इसके साथ यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ये इसकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल ही बिगाड़ दे रहा है। लेकिन अगर आप इसे यूज़ करना ही चाहें तो इसके ये जो वायर्स वगैरह हैं ये शील्ड वायर यूज़ कीजिए, और कोशिश कीजिए कि वायर्स आप छोटा से छोटा यूज़ करें ताकि ज़्यादा नॉइज़ आपके बोर्ड में ना आ पाए। आप देख रहे हैं कि इसके आउटपुट में 30-55 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है और मेटल वाला ट्रांजिस्टर है इस टाइप का। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज 60 वोल्ट है और 115 वाट पावर ही ले सकता है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। जितना भी ट्रांजिस्टर का मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है ड्यूअल सप्लाई वाले सर्किट में, उससे हाफ पर ही आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर 30-55 यहाँ पर लगा हुआ है तो आप इसको मैक्सिमम 30-0-30 दे सकते हैं, यानी कि +30, 0 और -30। अब यहाँ पे इन्होंने इसमें 37-73 लगा दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3773 फेक है, तो ये बिल्कुल ही बेकार है। इस ट्रांजिस्टर को आप मत यूज़ कीजिए, इसकी जगह क्या यूज़ करना है मैं बताऊंगा, और फिलहाल में हम चलते हैं कि पैरेलल करने से क्या होता है। कुछ वीडियोज़ जो मैंने यूट्यूब पे देखे उनमें पाया कि लोग बताते हैं कि अगर आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर सपोज़ कीजिए ये है, इसके साथ अगर आप सेम ट्रांजिस्टर कुछ और पैरेलल कर देते हैं तो आपके एम्पलीफायर की पावर बढ़ जाती है। तो पैरेलल किस तरीके से करते हैं ये देखिए, अगर ये एक ट्रांजिस्टर है जिसका ये बेस और ये इमीटर और ये कलेक्टर है, तो फिर हम एक नया ट्रांजिस्टर लेते हैं और इसके कलेक्टर से इसका कलेक्टर, इसके बेस से इसका बेस और इसके एमिटर से इसका एमिटर जोड़ देते हैं, यानी कि ये पैरेलल हो गया। ठीक, ये नेक्स्ट वाला और इसको भी
और ये भी। तो सबसे पहली बात कि ये पैरेलल करने का तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से ट्रांजिस्टर पैरेलल नहीं होता है, इसमें क्या गलती है ये मैं बताऊंगा। और दूसरी बात कि ट्रांजिस्टर आप चाहे कितना भी पैरेलल कर लें, चाहे तो आप हज़ारों ट्रांजिस्टर भी पैरेलल कर दें, तो किसी एम्पलीफायर की पावर बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं किसी एम्पलीफायर की पावर का फार्मूला होता है P = V² / R। ये रियल फार्मूला है। जो फार्मूला मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था वो फार्मूला था V² / 2R। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये फार्मूला क्यों बताया। ये फार्मूला किसी लॉस को कैलकुलेट नहीं करता है, यानी कि ये बिल्कुल थ्योरेटिकल बताता है। लेकिन इस फार्मूला में जो सारे एम्पलीफायर की इफ़िशियंसी है और वायर लॉस, वोल्टेज लॉस, तमाम तरह की चीज़ों को इसमें ध्यान रखा गया है, तो रियल इससे निकलता है बट थ्योरेटिकल ये है। तो चलिए हम थ्योरेटिकल फार्मूला को देखते हैं। यानी कि हम जब तक किसी एम्पलीफायर में पावर सप्लाई वोल्टेज को नहीं बढ़ाएंगे तो उसकी पावर नहीं बढ़ सकती है। या तो आप रेजिस्टेंस को यानी कि लोड को कम कीजिए, और रेजिस्टेंस को एक हद से हम ज़्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा कम ओम के स्पीकर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब आप बोलेंगे कि चलो ठीक है, बहुत सारे स्पीकर पैरेलल में मैं करके ले लेता हूँ, 8 ओम के 8 स्पीकर मैं पैरेलल कर दूंगा तो 1 ओम हो जाएगा तो मेरे को ज़्यादा पावर मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करता हूँ। इसी एम्पलीफायर का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये चलता है 20 वोल्ट एसी से ड्यूअल सप्लाई से, तो एसी को अगर आप डीसी में चेंज करेंगे तो 1.44 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 28 वोल्ट आ जाता है। तो 28.8 है, हम 28 मान लेते हैं, तो 28 × 28 और डिवाइडेड बाई, अगर मैं सपोज कीजिए कि 4 ओम का लोड मानता हूँ, 4 मानता हूँ, तो ये कैलकुलेट करने पर 4 ओम के लोड पर 196 वाट्स आ गया। लेकिन ये ज़्यादा आता है फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि इस फॉर्मूले में किसी भी लॉसेस को ध्यान में नहीं रखा गया है। ये एक्चुअली इसका आधा आएगा है कि ये 4 ओम लोड पर ये एम्पलीफायर 100 वाट का है। अब आप अगर इस सप्लाई वोल्टेज को नहीं बढ़ाएंगे तो ये वाट कतई नहीं बढ़ सकती है, या तो आप लोड को घटाएंगे तभी ये वाट बढ़ेगी। अब क्वेश्चन ये है कि आप कहेंगे ठीक है चलो, मेरा एम्पलीफायर जो है 28 वोल्ट लेता है, मैं इसे 25, मैं इसे 30 दे देता हूँ, 35 दे देता हूँ। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका एम्पलीफायर है इसके सारे कंपोनेंट्स किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे चलने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं, और इसके साथ में ही ये जो कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इन सब की वैल्यू भी इनिशियली कैलकुलेट की गई है इसके हिसाब से। तो आप अपने मन से इसकी पावर सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। 5% आप घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपने घटाया बढ़ाया तो ये एम्पलीफायर हमारा ख़राब हो जाएगा। इस बात को आप क्लियरली समझ गए कि बिना वोल्टेज बढ़ाए किसी भी एम्पलीफायर की पावर नहीं बढ़ाई जा सकती है, और ट्रांजिस्टर पैरेलल करने से किसी भी एम्पलीफायर की पावर नहीं बढ़ सकती है, ये बिल्कुल भी गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ, ट्रांजिस्टर पैरेलल करने से सिर्फ इतना होता है कि आपके ट्रांजिस्टर हल्के चलेंगे, कम गर्म होंगे, और थोड़ा आप ज़्यादा लोड उस पर आप डाल सकते हैं। यानी कि अगर ये आपका एम्पलीफायर 8 ओम को सपोर्ट करता है और आप इसमें पैरेलल में 2 पेयर लगा देते हैं तो 4 ओम का लोड आप इस पर दे सकते हैं, और थोड़ा सा फील होगा आपको कि पावर बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअली वो बढ़ती नहीं है। ये एक एम्पलीफायर का आउटपुट सेक्शन है, आप ये जो फ्रंट पे लगा हुआ है, इसके बाद ये ड्राइवर सेक्शन होता है, और उसके बाद ये क्लास ए एम्पलीफायर होता है, VS सेक्शन बोलते हैं, और ये इनपुट सेक्शन होता है। सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर 2 पेयर के ट्रांजिस्टर के लगा दिए और आपने सोचा कि मेरे एम्पलीफायर की आउटपुट पावर बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इन ट्रांजिस्टर्स को चलाने के लिए ये ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं। तो सपोज कीजिए कि हर ट्रांजिस्टर को, एक एग्जांपल के लिए मैं अगर ले लूं कि 150 मिली एम्पीयर की करंट चाहिए चलने के लिए इस ट्रांजिस्टर को, अब अगर आपने 2 ट्रांजिस्टर लगा दिए तो हमें करंट चाहिए 300 मिली एम्पीयर की एक ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए। लेकिन इसका जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, पीछे जो इसको ड्राइव कर रहा है, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये 150 मिली एम्पीयर ही देगा। यानी कि जब आप इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगा देंगे तो 152 में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि आउटपुट में लगे हुए 2 ट्रांजिस्टर को 75-75 मिली एम्पीयर अब मिलेगी। इस तरीके से आपका आउटपुट फुल नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा, लेकिन अब इस ट्रांजिस्टर को पावर मिल रही है इस ट्रांजिस्टर से, जो कि VAS स्टेज का है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन स्टेज इसको बोलते हैं, और ये क्लास ए ड्राइवर होता है, ये स्ट्रिक्टली डिज़ाइन होता है इन दोनों ट्रांजिस्टर को पावर देने के लिए। इसकी करंट फिर आपको बढ़ानी पड़ेगी, और इसकी करंट बढ़ाएंगे तो इसकी करंट बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इसको सिग्नल यहाँ से मिल रहा है। इसलिए अगर आप नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइस बढ़ाते हैं तो आपको पूरे एम्पलीफायर को रीडिजाइन करना पड़ेगा, कि सिर्फ आउटपुट डिवाइस का नंबर बढ़ाने से किसी भी एम्पलीफायर की पावर नहीं बढ़ती है। हाँ, बस इतना है कि आपके
आपकी आउटपुट डिवाइसेस यानी कि आउटपुट ट्रांजिस्टर थोड़े ठंडे चलेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा मेरा एम्पलीफायर चल रहा है। जितना मैंने इस एम्पलीफायर को स्टडी किया है अकॉर्डिंगली मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बता देता हूँ जिसकी सहायता से आप इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर से थोड़ा सा ज़्यादा आउटपुट पावर ले सकते हैं। पॉइंट नंबर वन कि इस तरीके से एम्पलीफायर के आउटपुट ट्रांजिस्टर को पैरेलल नहीं करते हैं, ये गलत तरीका है। पैरेलल किस तरीके से करते हैं, देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मोटा सा एक वायर वाउंड रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि ये रेजिस्टेंस है जो ये आप देख रहे हैं 1 ओम का। तो आपको सभी ट्रांजिस्टर के साथ ये 1 ओम 5 वाट का रेजिस्टेंस लगाना है। ये देखिए लगा के मैंने इस तरीके से कर दिया, उसके बाद सभी के बेस मैंने जोड़ दिए, बेस डायरेक्ट जुड़ जाएगा। एक्चुअली बेस भी डायरेक्ट नहीं जोड़ना होता है, छोटा सा रेजिस्टेंस आप बेस पे भी लगा सकते हैं, सभी के बेस पे रेजिस्टेंस लगा के इनको यहाँ पर जोड़ना है। उसके बाद कलेक्टर पे रेजिस्टेंस लगा के स्पीकर आउटपुट पॉइंट है ये करना है, और इमीटर को जो है आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं प्लस से क्योंकि इमीटर जो है डायरेक्टली पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको पैरेलल करना है, ये रेजिस्टेंस लगाना है। इसको छोड़ के लोग इन सारे को यहीं पे जोड़ देते हैं, ये गलत है। इससे होता क्या है दोस्तों, सपोज कीजिए कि मेरे पास ये 1943 ट्रांजिस्टर है, इनको मैं पैरेलल में लगाना चाहता हूँ, तो मैं चेक करके देखता हूँ कि इनका गेन कितना कितना आता है। गेन या HFE वैल्यू जो है ये देखिए 150 आ गया। अब दूसरा ट्रांजिस्टर लगाते हैं यहीं पे, देखते हैं उसका कितना गेन आता है। इसको मैंने निकाल दिया और इसको मैंने लगा दिया, फिर से टेस्ट करते हैं, इसका गेन आ गया 141। तो आपने देखा कि एक का गेन 150 था और एक का गेन 141 था, और ये डिफरेंस तो कुछ नहीं है, 10 20 25 में अगर गेन का अंतर हो तो कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ ट्रांजिस्टर और मैच करेंगे जो आपने अलग अलग बैच से अलग अलग टाइम पर ख़रीदा है तो उसका गेन बहुत ही अलग हो जाता है। इंडियन मार्केट के हिसाब से 20-25 अगर डिफरेंस है HFE में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब होता यह है दोस्तों कि आपने दो ट्रांजिस्टर लगाए, सपोज कीजिए कि इसका गेन है 150 और इसका गेन है 140, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ज़्यादा एम्पलीफिकेशन करेगा उसी सप्लाई के हिसाब से, और ये कम एम्पलीफिकेशन करेगा। तो अगर आप इसके इमीटर या कलेक्टर डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो जो ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहा है उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा और इस पर कम लोड पड़ेगा, और आपको एक फाल्स इमेजिनेशन होगी कि हमारे पास दो लगे हुए हैं, तो पहले ये उड़ेगा फिर इसके बाद ये उड़ जाएगा। तो इसी वजह से ट्रांजिस्टर को मैच करके लगाना चाहिए, और बिकॉज ट्रांजिस्टर मैच नहीं होता है 100%, इसीलिए ये कलेक्टर पे रेजिस्टेंस लगाया जाता है ताकि जो भी इनमें इनबैलेंस है वो इनकी सहायता से बैलेंस हो जाए और सभी ट्रांजिस्टर एक बराबर काम करें। अगर आप इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये गलत तरीका हो जाएगा, और करंट शेयरिंग पावर शेयरिंग सभी ट्रांजिस्टर इक्वल नहीं कर पाएंगे और ये ट्रांजिस्टर आपके एक के बाद एक खराब हो जाएंगे। तो पैरेलल करने का सही तरीका आपने जान लिया, और ये जो 3773 है ये तो बिल्कुल कबाड़ा है, इसको निकाल के तुरंत फेंक दीजिए, ये किसी भी काम का नहीं है, ये वर्स्ट है। अगर ओरिजिनल मिल जाए तो ठीक है, लेकिन ओरिजिनल मिलता नहीं है तो आप इसकी जगह TIP-35C यूज़ कर सकते हैं जो कि कुछ इस तरीके का ट्रांजिस्टर होता है। तो ध्यान रखिए बेस की जगह बेस, कलेक्टर की जगह कलेक्टर, और इमीटर की जगह इमीटर इसमें आपको लगाना है। तो 5200 तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, और 5200 काफ़ी अच्छा ट्रांजिस्टर है जो आप इसमें यूज़ कर लीजिए, और इसको यूज़ करने से ही आपकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी सुधर जाएगी। इस बोर्ड में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन के ऑप्शंस नहीं हैं क्योंकि अगर आपने ज़्यादा चेंज किया तो सब वैल्यू वगैरह बदल जाएगी और ट्रांजिस्टर हीट वगैरह होने लगेंगे। फिर भी मैं आपको 6-7 तरीके बताऊंगा, लेकिन उसमें से 2 तरीके यूनिवर्सल हैं, आप उनको अप्लाई कीजिए, और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है आप नेक्स्ट तरीके भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी को एक साथ मत कीजिए, 1 by 1 कीजिए, सभी का रिजल्ट देखिए कि हाँ मेरा कुछ हीट वीट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड बोर्ड मार्केट में ये नहीं आता है, सभी लोग अपने हिसाब से थोड़ी मोड़ी वैल्यू वगैरह चेंज कर देते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आउटपुट ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर देना है, क्योंकि ये ओरिजिनल 3773 नहीं है। अगर आपके पास ओरिजिनल 3773 है तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है तो इसको आप TIP-35C से चेंज कर दीजिए, दोनों को। ABNPN पावर ट्रांजिस्टर है, अगर ये नहीं मिल रहा है तो 2SC-5200 आपको मिल ही जाएगा, इससे आप चेंज कर दीजिए। दूसरा स्टेप है कि आप पैरेलल कर लीजिए,
जिस तरीके से पैरेलल करना मैंने आपको बताया है, और सिर्फ दो ट्रांजिस्टर पैरेलल कीजिए, दो से ज़्यादा करने में इस सर्किट में कोई भी फायदा नहीं है। तो ये वायर तो बिल्कुल निकाल के फेंक दीजिए, आप काफ़ी मोटे वायर यूज़ कीजिए, ये वायर बहुत ही घटिया है, बहुत सारी पावर ये वेस्ट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आपको ये पावर सप्लाई इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, इसमें 6800 या 10000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर आप दो लगा दीजिए अगर आपकी जगह अलाउ करती हो, और ये डायोड भी 3 एम्पियर की बजाय 6 या 8 एम्पियर के लगा दीजिए। अगर आप कैपेसिटर ऊपर नहीं लगा सकते हैं तो दो ऊपर और दो नीचे पैरेलली में आप लगा दीजिए, लेकिन इनको आपको कम से कम 10000 माइक्रोफेरेड रखना बहुत ही जरूरी है, जो इस किट को बहुत अच्छा बेस परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। इसके बाद अगर आप सीरियस हैं, थोड़ा सा वेंचर कर सकते हैं, थोड़ा चीज़ों को जानते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, ये जो एक VAS ड्राइवर लगा है यहाँ पे BCI 148B जो कि ये है, इसकी जगह पर आपको लगा देना है BD140 लगा देना है, तो इसका ड्राइवर सेक्शन कुछ मजबूत हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बट कुछ मजबूत हो जाएगा और अच्छा काम करेगा ये। लेकिन जब भी आप इसको चेंज कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि BD सीरीज और BC148 सीरीज का बेस कलेक्टर और इमीटर अलग अलग होता है, तो यहाँ पर आपको बेस कलेक्टर और इमीटर वाइज ही लगाना नहीं है, ये नहीं कि आपने ये ट्रांजिस्टर उखाड़ा और बिल्कुल पिन टू पिन लगा दिया तो ये काम नहीं करेगा। जहाँ इसका कलेक्टर है वहाँ इसका कलेक्टर, जहाँ इसका बेस है वहाँ इसका बेस, जहाँ इसका इमीटर है वहाँ इसका इमीटर लगाना है। और अगर आप सीरियस थोड़ा हैं, आप चाहते हैं, तो नेक्स्ट ये है कि आप ये जो 1.5K और 4.7K का रेजिस्टेंस देख हैं, जो कि यहां पे लगा हुआ है बोर्ड में, देखिए 1.5K है और ये 4.7K है, ये क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको आपको निकाल के हाफ वाट का रेजिस्टेंस लगा देना है, तो इससे इस VAS ट्रांजिस्टर को मिलने वाली करंट थोड़ी बढ़ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो कैपेसिटर हैं 47-47 माइक्रोफेरेड के, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, इनको आप 100 माइक्रोफेरेड और 100 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट से चेंज कर दीजिए, इसको 100 कर दीजिए, इसको 100 कर दीजिए, इससे भी इसका बेस रिस्पांस थोड़ा बढ़ जाएगा। और आप सीरियस है, और भी आप सीरियस से चाहते हैं कि नहीं और मुझे चाहिए, तो ये एक बहुत ही सीरियस स्टेप है, इससे आपका एम्पलीफायर बहुत ही सेफ हो जाएगा, लेकिन बहुत आपको अच्छे तरीके से करना है। ये ट्रांजिस्टर जो आप ड्राइवर के बीच में देख रहे हैं, ये थर्मल कंपनसेशन के लिए लगा है, लेकिन इसका यूज़ कोई जानता नहीं है। इस ट्रांजिस्टर को आपको निकाल लेना है, इस ट्रांजिस्टर को निकाल लीजिए और यहाँ से एक तार 3 ले लीजिए, और वायर की सहायता से आप इस ट्रांजिस्टर को लिफ्ट कर लीजिए, यानी कि बोर्ड से ऊपर लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आपका एम्पलीफायर गर्म होगा उसी हिसाब से इसकी करंट घट बढ़ जाएगी और आपका एम्पलीफायर सेफ रहेगा। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो तभी कीजिए, वरना इसको आप छोड़ दीजिए। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि मेरे को इस बोर्ड से पावर ज़्यादा चाहिए, तो उसका स्टेप मैं बता देता हूँ। उसका एक ही उपाय है कि आप इस बोर्ड को ब्रिज कर दें। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये बोर्ड जो है लगभग 75 वाट का है एक्चुअली, और 8 ओम पर ये जो है 50-56 वाट देगा, इससे ज़्यादा ये नहीं देगा, यानी कि 200 वाट के करीब आप इससे चाहते हैं, तो आपके पास एक ही उपाय है कि आप इस एम्पलीफायर को ब्रिज कर दीजिए। और ब्रिज करने का एक वीडियो मैंने बताया था, उसी की सहायता से ब्रिज करना है। और फीडबैक रेजिस्टेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये 15K का रेजिस्टेंस लगा है, ये रेजिस्टेंस है 15K का इस चैनल में, और ये 15K का इस चैनल में, और जब ब्रिज में हो जाएगा, ये माइनस बिल्कुल नहीं यूज़ करना है आपको, दोनों स्पीकर के पॉजिटिव आपको यूज़ करने हैं, तो ये ब्रिज में आ जाएगा। और अगर आपका ये 3773 अच्छा है, ओरिजिनल है, तो ये लगभग 200 वाट तक की आउटपुट आपको आराम से ये बोर्ड दे देगा। तो ये सिंपलेस्ट तरीका है, क्योंकि ये 500-600 रुपये का बोर्ड मिलता है, तो 500-600 रुपये में अगर आपको 200 वाट की आउटपुट मिल जाए तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन फिर से पावर सप्लाई तो आपको इंक्रीज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस डायोड और इस कैपेसिटर पे 200 वाट की आउटपुट ये नहीं दे पाएगा, और इस बोर्ड को एज ए मोनो चैनल यूज़ करें और 200 वाट की आउटपुट आपको ये दे देगा। ये सर्किट मैं PDF में अटैच कर दूंगा, ताकि आपको जब भी रेफरेंस देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये एक लोकल बोर्ड जो कि मार्केट में बहुत ही बिकता है, इसका भी आप अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठा पाएंगे, और अपने फीडबैक में आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहा है। हाँ, इस बोर्ड की वायरिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये वायरिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं बताई, बस ओरली बता दिया। तो एक वीडियो मैं छोटा सा बना दूंगा, उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, इसमें पावर सप्लाई इनपुट वगैरह कहाँ कैसे देनी है, और साथ में मैं एक पेयर चेंज करके भी दिखा दूंगा, और जो मॉडिफिकेशन यहाँ मैंने किए हैं वो एक चैनल में मैं सारी मॉडिफिकेशन जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सारे मॉडिफिकेशन मैं एक चैनल में करके दिखा दूंगा, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि वो मॉडिफिकेशन किस तरीके से करना है। दोस्तों, इस बोर्ड का लिंक मैंने दिया है, बहुत सारे लिंक हैं अमेजन में, या आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, जहाँ से भी आपको खरीदना हो आप खरीद लीजिए।
और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद में दिलानी है कि आप जो भी चीजें अमेजन से खरीदनी है, आपको कुछ भी खरीदना हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं लिंक में दे रहा हूँ वही आपको खरीदना हो, जो भी आपको खरीदना हो आप मेरे लिंक से अमेजन पे जाएं। उस लिंक से अमेजन पे जाने के बाद 24 घंटे तक आप जो भी खरीदेंगे अमेजन पे कोई भी चीज, तो उसमें थोड़ा सा कमीशन मुझे मिलेगा और वो कमीशन मेरे चैनल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत मदद मिलेगी मेरे को नया प्रोजेक्ट बनाने में। और नेक्स्ट वीडियो एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट में मैं लाने वाला हूँ जिसको देखकर कि आप खुश हो जाएंगे और वो हर आदमी की ज़रूरत है, लेकिन वो सीक्रेट मैं अभी ओपन नहीं करूँगा। वो एक प्योर थ्योरेटिकल वीडियो होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़बरदस्त नॉलेज आपको मिलेगी, तो उस वीडियो को मैं अगले संडे को आपको दे दूँगा। तब तक इस वीडियो को देखिए, आप अच्छे तरीके से इंजॉय कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ। ओके एंड बाय।